उसके बाद आपको क्या करना है प्रमोशन के अंदर जो आर्टिकल्स हैं यू हैव टू प्लेस ओनली प्रोमोशन आर्टिकल्स आपने ऐसा नहीं करना कि यू हैव टू मिक्स बोथ नॉर्मल आर्टिकल्स और प्रोमोशन आर्टिकल्स ये मीन्स प्रोमोशन एंड नॉन प्रमोशन सो बट यू हैव टू डू कि जो प्रमोशन आर्टिकल हैं वो ही आपको प्रमोट करने हैं वही आपको मेन लोकेशन के ऊपर प्लेस करने हैं उन्हीं को आपने हाईलाइट करना है देन थर्ड पॉइंट हमारे पास है कि यू हैव टू रिस्पेक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लिंक टू द नंबर ऑफ पैलेट्स, बास्केट्स शेल्फ्स और हुक्स ये एग्जाम्पल के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ पैलेट्स यूज होंगे कहाँ कहाँ बास्केट्स यूज होंगी कहाँ कहाँ शेल्फ यूज होंगी कहाँ कहाँ प्रोडक्ट में हुक्स यूज होंगे स्पेशली अगर शर्ट्स लग रही है तो लट्सू प्लेस दैम ऑन दी हुक्स तो वो ये हम डिस्कस करते हैं अभी डिटेल्स के साथ फिर हमारे पास है मैच प्रोडक्ट ऑन द एंड कैप विध आयल तो जो फैमिली है आयल के अंदर जो प्रोडक्ट्स मौजूद हैं आपको नॉर्मली प्रोडक्ट्स को मैच करना है यानी कि अगर मेन ऑयल के अंदर अगर ग्रोसरी के प्रोडक्ट्स हैं सो जो उसकी मेन शेल्फ़ है जो उसकी मेन वी कैप है एंड कैप है जो उसकी हेड शेल्फ है ये वो मेन जगह है जहाँ पर इसको मैच करना चाहिए आपके प्रोडक्ट्स जो आइल में मौजूद हैं उनके साथ अगर ऐसा नहीं है अंदर जो है वो आ, से ऑयल की कैटेगरी पड़ी हुई है और एंड कैप के ऊपर जो है वो बेवरेजेस uh, की कैटेगरी पड़ी हुई है सो मे बी इट विल नॉट गो विद द सेम थीम तो कस्टमर इसको बहुत ज्यादा इंकरेज ना करे सो द प्रिंसिपल इज यू हैव टू मैच द प्रोडक्ट्स इन द दयल विच आर प्लेस्ड ऑन द एंड कैप फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि यू हैव टू यूज़ प्रमोशनल साइनेज ताकि कस्टमर को जो प्रोडक्ट प्रमोशन के ऊपर है वो प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट हो अगर आप देखें यहाँ पर इस एग्जाम्पल के अंदर जो ये मैंशनड है एग्जाम्पल एग्जाम्पल के अंदर अगर हम देखते हैं तो एंड कैप्स के ऊपर प्रोडक्ट मौजूद हैं बड़ी विजिबल लोकेशन के ऊपर है प्रॉपर तरीके से उसकी प्राइसिंग मैंशनड है प्रोमोशन आर्टिकल प्रॉपर तरीके से हाईलाइटेड है पैलेट्स के ऊपर रखा हुआ है सो so अगेन और मैस मर्चेंडाइजिंग को फॉलो कर रहा है इसका मतलब यह है कि द प्रोडक्ट इज एक्चुअली फॉलोइंग दे द प्रमोशनल प्रिंसिपल को रिलीजियसली फॉलो कर रहा है अगर हम एक स्टोर का मैप को देखें एक स्टोर को देखें कि एक स्टोर में कहाँ कहाँ लेट्स ए कुड बी द प्रमोशनल एरिया तो ये हमारे पास एक स्टोर का मैप मौजूद है आपके सामने मैं वो हाईलाइट करने लगा हूँ वो एरियाज जो कि एक्चुअली कंसिडर टू बी प्रोमोशनल एरियाज़ क्योंकि ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा कस्टमर का नेचुरल फ्लो कस्टमर का मूवमेंट इस तरफ को जाता है तो ये वो एरियाज़ हैं जो कि आपके सामने हाईलाइटेड है ये आपको इस तरीके से नजर आ रहा है दिस इज द एरिया ये वो पैसेज है ये वो रास्ता है जो कि एक्चुअली प्रमोशनल एरिए के तौर पे इस्तेमाल होता है सो so, हमारे पास एक गाइडलाइन मौजूद है कि कस्टमर का फ्लो कैसे मूव होता है किसी भी रिटेल स्टोर के अंदर तो आपको क्या कंसिडर करना है क्या चीज़ जहन में रखनी है जब हमने एक लेआउट प्रमोशन लेआउट को डिज़ाइन करना है सो so, आपको नाउ यू नो द की एरियाज नाउ यू कैन ईजीली प्लान दी प्रमोशनल लेआउट इन पर्टिकुलर स्टोर तो क्या गाइडलाइंसल है है, है. करने हैं फिर मैक्सिम हाइट ऑफ एनी पैलेट प्रशन इज शुड बी सेंटीमीटर इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए ताकि प्रोडक्ट जो है वो कनेक्ट रहे लिंक रहे डिपार्टमेंट के साथ कस्टमर को इजीली वो प्रोडक्ट जो है वो ओवरव्यू ले सके कस्टमर को इजीली प्रोडक्ट जो है वो नजर आ सके और प्रोडक्ट जो है जो भी डिस्प्ले पे लगाएं उसका कनेक्ट हो किसी ना किसी तरीके से उस डिपार्टमेंट के साथ जिसकी एंड कैप के ऊपर या जिसके प्रमोशनल एरिया के अंदर वो प्रोडक्ट लगी हुई है क्योंकि अगर आप हाउस होल्ड के अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की डिस्प्ले का डिस्प्ले लगा देंगे का प्रमोशनल एरिया बना देंगे सो मे बी ऑफकोर्स कस्टमर विल नॉट लाइक इट क्योंकि कस्टमर हाउस होल्ड एरिए में हाउस होल्ड से रिलेटेड प्रोडक्ट को बाय करने के लिए गया है वो वहाँ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को बाय करने के लिए नहीं किया तो दिस विल क्रिएट अ बैड थिंग बैड वर्ड इन दईज ऑफ कस्टमर अब हम आते हैं मैस मचाइजिंग को हाउ टू रिफ्लेक्ट इन टू दिक्चर अगर आप देखते हैं सो दिस इज नंबर वन वे जिसको हम कहते हैं मैसिव प्रेजेंटेशन ऑफ वन आर्टिकल मैसिव प्रेजेंटेशन ऑफ वन आर्टिकल क्या चीज है कि जहां पर किसी भी एक आर्टिकल को मैसिवली प्रेजेंट किया जाता है सिर्फ उसको किसी दूसरे आर्टिकल के साथ मिक्स नहीं किया जाता मर्ज नहीं किया जाता तो कस्टमर को बल्क डिस्प्ले नज़र आता है और कस्टमर को फीलिंग ये आती है कि ये प्रोडक्ट रिटेलर ने बहुत ही सस्ती प्राइस के ऊपर लगाया है बिकॉज इतनी ज़्यादा क्वान्टिटी में दे हैव डिस्प्लेड इट तो रिटेलर ने एक्चुअली उसकी मैस मर्चेंडाइजिंग की होती है कस्टमर के लिए उसकी रीडिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है इसी तरीके से जो दूसरी बात मैस मर्चेंडाइजिंग के हवाले से है वो है कि पावरफुल प्रेजेंटेशन अगर यू वांट टू मेक सो यू हैव टू डू इट ऑन द पैलेट्स पैलेट जो है वो रैक है जो कि वुडन रैक जिसके ऊपर आपको प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर रहे होते हैं यहाँ पर ये विजिबल पैलेट्स हैं हमारे पास सो पावर प्रजेंटेशन के लिए ज़रूरी है कि आपने जो डिस्प्ले किया हो प्रोडक्ट का मैस मर्चेंडाइजिंग की हो वो प्रॉपरली पैलेटाइज हो ताकि कस्टमर को वो ईजीली क्लियरली कस्टमर को नजर आ रही हो कस्टमर को क्लियर हो अगर आप देखें तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से प्रोडक्ट को प्रेजेंट भी किया गया है साइरेज को भी मेंशन किया गया है कस्टमर को एक अच्छा मैसेज दिया गया है प्रमोशन के अंदर हमें कितने नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स को मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करना है और उसके लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करना है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है लेकिन मैं इसके ऊपर आपको एक अंडरस्टैंडिंग इन जनरल देता हूँ ताकि आपको एक क्विकली आइडिया हो जाए कि अगर हमने किसी स्टोर में यू हैव बिन असाइंड एज ए रिटेल गाए एज ए रिटेल ऑपरेशन तो आपको पता हो कि हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं इस सिलसिले के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल नॉन फूड से स्टार्ट करते हैं तो अगर नॉन फूड्स में कौन सा इक्विपमेंट यूज़ होगा अगर लट से हम बात करते हैं स्पेशली प्रोडक्ट्स जो कि क्लोदिंग से रिलेटेड हैं तो हुक्स एंड शेल्फ आप यूज़ कर रहे होते हैं टू टू थ्री प्रोडक्ट्स यूज हो रही होती हैं और कोई एक थीम हम फॉलो कर रहे होते हैं नॉन फूड में कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी होंगी जिनको आप शेल्फ पे डिस्प्ले करते हैं और नॉर्मली इस तरह के केस के अंदर दो से तीन प्रोडक्ट्स होनी चाहिए या एक पर्टिकुलर थीम होना चाहिए तीसरे केस के अंदर नॉन फूड में बास्केट या बॉक्स की सूरत में डिस्प्ले होता है जिस तरह अगर वो कॉपी पेपर होगा तो वो बॉक्स की शक्ल में होगा सो तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट्स को आपने डिस्प्ले करना है फोर्थ टाइप ऐसी होती है जो कि पैलेट्स के ऊपर आएंगे फॉर एक्जाम्पल जनरेटर यू वॉन्ट टू सेल और आपको उसको डिस्प्ले पैलेट के ऊपर करना है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पैलेट्स आपको जितने उसके ऊपर पॉसिबल हो यू हैव टू मैनेज इट फूड के केस के अंदर दो तरीके से आप प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर रहे होते हैं शेल्फ के थ्रू एंड पैलेट्स के थ्रू तो शेल्फ में अगर वो होगी तो टू टू थ्री प्रोडक्ट्स या किसी एक थीम को आप मैनेज कर रहे होंगे और अगर पैलेट्स में होंगी तो जितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले पे आ सकती हैं यू हैव टू इंश्योर कि वो डिस्प्ले के ऊपर आ जाएं जल्दी से हम इसके एक एग्जांपल देखते हैं फूड की एग्जाम्पल ऑन दी एंड कैप अगर आप देखते हैं जो अभी हमने रूल पढ़ा तो उसी रूल की अंडरस्टैंडिंग के लिए टू टू थ्री पैलेट्स का डिस्प्ले आपको नजर आ रहा है मैक्सिमम दो से तीन प्रोडक्ट नजर आ रही हैं और एक शेल्फ है ये एक बड़ी को अच्छी एग्जाम्पल हमारे पास फूड के हवाले से है इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं दूसरी एग्जाम्पल में तो सिक्स पैलेट्स लगे हुए हैं और अगर सिक्स पैलेट्स हैं तो हर पैलेट के ऊपर एक प्रोडक्ट है विच मीन्स अगर सिक्स पैलेट्स तो देर विल बी सिक्स प्रोडक्ट्स इफ देर इफ फोर पैलेट्स तो देर विल बी फोर प्रोडक्ट्स तो ये दिस इज वन ऑफ द रूल फॉर डिस्प्ले नॉन फूड की एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी दी है प्रोडक्ट अगर केज में है जिस तरीके से सिक्स बास्केट्स लगाई हैं सो देर करेंगे तो दो पैलेट्स हैं पैलेट नंबर वन एंड पैलेट नंबर टू तो दो पैलेट्स हैं तो दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स और प्लस वन शेल्फ जो कि यहां पर आपको नजर आ रही है ये हमारे पास एग्जाम्पल है नॉन फूड की नॉन फूड की एक और एग्जाम्पल है डिस्प्ले करने के लिए अगर मैं थीमेटिक बात करूं तो थीम के हवाले से अगर आप देखते हैं तो वन थीम विच इज द थीम ऑफ द बैग और उस पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी आपके पास एक ही मौजूद है और क्लोदिंग की एग्जाम्पल ऑलरेडी अभी हमने डिस्कस की है कि नॉर्मली क्लोदिंग को शर्ट्स को से कोट्स को जैकेट्स को यू हैव टू हैंग दैम इन दी हुक्स और नॉर्मली एंड कैप के ऊपर उसका डिस्प्ले वन प्रोडक्ट या वन थीम के सिलसिले में फॉलो होता है एक्सपोजिशन की एग्जाम्पल हमारे पास है कुछ शेल्फ्स ऐसी हैं जिसको आपको एक्सपोज करना पड़ता है प्रोडक्ट को जिसमें यहाँ पर हमारे पास माइक्रोवेव की एग्जाम्पल है जो कि वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल्स है या इसी तरीके से हमारे पास एक और एग्जाम्पल मौजूद है कैश टिल की जो कि रिफ्लेक्ट कर रही है कि हाउ यू हैव टू एक्सपोज द प्रोडक्ट इन द शेल्फ जो शेल्फ टॉप के ऊपर प्रोडक्ट है वो विजिबल होना चाहिए टू द कस्टमर डबल प्लेसमेंट है हमारे पास के प्रोडक्ट जो है नॉर्मली स्टैक्ट कर दी जाती हैं कि जब आपने डिस्प्ले के ऊपर रखना है प्रोडक्ट को तो यू हैव टू स्टैक द प्रोडक्ट्स आउट ऑफ़ द शेल्फ को अवॉइड करने के लिए आउट ऑफ द शेल्फ क्या है क्योंकि ये प्रोडक्ट हाई रनिंग होगी इसकी सेल रोटेशन बहुत हाई होगी तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको डबल स्टैकिंग करनी है आपको मल्टीपल स्टैकिंग करनी है ताकि कस्टमर उस प्रोडक्ट को क्विकली बाई भी करे तो वो आउट ऑफ शेल्फ ना हो और यू हैव टू इमीजिएटली मेक इट के मैंशन करना है आपको कि उसके प्रोमर्शल साइनेज के थ्रू कि ये आर्टिकल इज ऑन प्रमोशन कॉम्प्लीमेंट्री आर्टिकल है नॉर्मली जब हम डिस्प्ले प्रमोट कर रहे होते हैं प्रोडक्ट को तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री आर्टिकल्स का सेट भी बना के डिस्प्ले किया जाता है जिस तरीके से वैक्यूम क्लीनर को डिस्प्ले कर दें वैक्यूम क्लीनर के बैग के साथ जो कि पिक्चर के अंदर विजिबल भी है सो एक्चुअली कनेक्ट कर रहे होते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री आर्टिकल के थ्रू मेन आर्टिकल वॉज वैक्यूम क्लीनर और आपने उसके वैक्यूम क्लीनर के बैग के साथ कॉम्प्लीमेंट करके एक ही डिस्प्ले के अंदर उसको मैंशन कर दिया इसी तरीके से लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास है कंपेरेबल आर्टिकल्स की सो so, समटाइम्स ऐसा भी है कि यूर द रिटेलर इज हैविंग जोन ब्रांड तो वो अपने ब्रांड का कंपेरिजन के साथ एक ए ब्रांड जिस तरह तो से डबल ए कॉपी पेपर का मे बी सिक्बा के कॉपी पेपर के साथ मे बी किसी लोकल कॉपी पेपर के साथ एक एग्जाम्पल के तौर पे आप दोनों को मैस मर्चेंडाइजिंग करते हैं कस्टमर कंपेयर करता है एंड देन ही कैन बाय द प्रोडक्ट विच एक्चुअली द रिटेलर वॉन्ट्स टू सेल तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रमोशन के अंदर प्रमोशन इन जनरल एज ए प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कस्टमर से कम्युनिकेट कर रहा है और द कस्टमर विल बी एबल टू बाय मोर द स्टोर विल बी एबल टू सेल मोर दैट इज ओनली पॉसिबल थ्रू फॉलोइंग द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्रमोशंस